नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है वो दिव्यांगों को जो रेलवे फोटो आईडी कार्ड होता है वो हमें बनवाने के लिए DRM ऑफिस जाना ही पड़ता है हर वक्त, चाहे कोई भी आपको कितना भी दूर हो DRM ऑफिस आपका। तो इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में सुना हुआ था, दिव्यांग सारथी एप्लीकेशन है ये। एप्लीकेशन के बारे में मैंने जब सुना तो मैंने मेरे जो DRM ऑफिस है राजकोट वहाँ पर ट्वीट किया उनको, लेकिन वो टाइम का एडजस्टमेंट नहीं आया और वो रिप्लाई नहीं दे पाए। बाकी वो हर ट्वीट का रिप्लाई देते हैं, तो 15 अक्टूबर को समथिंग उनको उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर आप राजकोट DRM ऑफिस में आपका जो भी एरिया आता है राजकोट के आसपास के एरिया, जो भी दिव्यांग लोग हैं राजकोट के आसपास के, तो उनके लिए अभी दिव्यांगों को जो रेलवे फोटो आईडी कार्ड होता है वो बनवाने के लिए उनको अभी DRM ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, हमें उसकी ऑनलाइन प्रोसेस कर देनी है। उसके एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की। तो उन्होंने DRM राजकोट के जो DRM उन्होंने वो ट्वीट किया है और बताया हुआ है कि कैसे करना है क्या करना है, और उस एप्लीकेशन का नाम भी दिया है। और इस एप्लीकेशन में शायद वेस्टर्न रेलवे जो जोन है उनके ही होते होंगे DRM ऑफिस, मतलब मुंबई हो गया, राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद, शायद वो पोरबंदर भी एक DRM ऑफिस है वहाँ पर, भावनगर DRM ऑफिस है, ऐसे जो वेस्टर्न रेलवे कमांड के जो भी ऑफिसिस है उनके ही दिव्यांग, वेस्टर्न रेलवे के अंडर जो भी दिव्यांग आते हैं उनका ही बन पाएगा। अगर वो दिल्ली वाले हैं, कोलकाता, बेंगलोर, कर्नाटक, हैदराबाद, उन लोगों का अभी तक मुझे मालूम नहीं, अगर धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की ये वीडियो में हम जो भी वेस्टर्न रेलवे के अंडर में जो भी दिव्यांग आते हैं, मतलब जो गुजरात के और थोड़े बहुत महाराष्ट्र और थोड़े बहुत MP के लोग हैं उनके लिए ही है, क्योंकि MP भी थोड़ा बहुत वेस्टर्न रेलवे में आता है, तो उनके लिए ये फ़ायदा होगा। और इसमें भी सभी DRM ऑफिस ऐड नहीं हुई अभी तक, थोड़ी बहुत 4-5 DRM ऑफिस ही ऐड हुई है। तो मैं हम आपको मोबाइल में करके दिखाता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, और आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसमें अप्लाई करने के बाद वो आपको सामने से कॉल करेंगे अगर कोई तकलीफ़ हुई तो, और अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो वो शायद आपको कॉल करे कि आपका कार्ड बन चुका। तो अभी मैं आपको मोबाइल पे ले जाकर ही समझाता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है वो कैसे डाउनलोड करनी है। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और आप मोबाइल से करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट लैपटॉप पर रहते हैं और मोबाइल में मैं ज़्यादा कुछ रखता नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमें लिखना है दिव्यांग रेल सारथी, ये वेस्टर्न रेलवे के लिए ही वीडियो है, कृपया आप दिव्यांग रेल सारथी लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए, पहला है वो गूगल प्ले की एप्लीकेशन की लिंक है, दूसरा जो है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमें वहाँ पर जाना है। ओके, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये आप देख लेना, railsarthi.in, ये इसकी वेबसाइट है। और ये मोबाइल के लिए ही ज़्यादा इसमें डिटेल दी हुई है कि आपको कैसे करना है क्या करना है, और ये सारा कुछ है वहाँ पर, तो हम इसमें ही करते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप एंड्रॉयड करेंगे तो आप सीधे प्ले स्टोर में चले जाएंगे, और एप्पल के लिए कमिंग सून है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम रेलवे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आप मोबाइल में करते हो तो भी आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। इसमें थोड़े बहुत सिटी नहीं है अभी तक, वडोदरा, सूरत, ऐसे वडोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी, वो नहीं है। यहाँ पर अभी बॉम्बे भी ऐड नहीं हुआ है, पोरबंदर भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे डिसेबिलिटी जो कार्ड होता है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, मोहम्मद मेन है, अहमदाबाद में कौन कौन से आ जाते हैं वो हम देखते हैं। देखिए अहमदाबाद में अगर आप अहमदाबाद सिविल से कार्ड बनवाए तो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं रेलवे फोटो आईडी कार्ड। फिर सिविल हॉस्पिटल डीसा से, भुज का भी है, गांधीनगर का भी है, पाटण का भी है, राजकोट में, भावनगर में कौन कौन से सिटीज़ दे रखे हम देख लेते हैं। ये भावनगर में, पोरबंदर भावनगर में ले लिया है, अमरेली, भावनगढ़, तो मैंने पोरबंदर बोला था वो, अभी भावनगर वाले पोरबंदर सिलेक्ट कर लेना। अभी हम राजकोट वालों का देख लेते हैं, राजकोट में कौन कौन से हॉस्पिटल ऐड है। तो देखिए राजकोट में द्वारका तक का एरिया आ चुका है, द्वारका, खंभाड़िया, मोरबी, जामनगर, ये सारा यहाँ पे आ गया है। और नेक्स्ट है रतलाम MP के लिए, और MP से कोई भाई बहन है हमारे तो वो देख रहे हैं। तो देखिए आगरा, मालवा वगैरह, अलीपुर है, बारवानसी है, देवास है, मुझे तो नाम भी नहीं आते, इंदौर, मऊ है, यहाँ से कोई भी दिव्यांग है अगर तो वो बनवाना चाहते हैं MP के इसी डिस्ट्रिक्ट से तो उनका बन सकता है यहाँ पर। मैं राजकोट से हूँ तो मैं राजकोट पहले सिलेक्ट करता हूँ, फिर मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ का है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ।
ओके देखिए मेरा ये लॉगिन हो चुकी है आईडी। ओके ये मेरी दिव्यांग आईडी है जो लॉगिन हो चुका हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे अप्लाई न्यू करना है तो हो सकता है रिन्यू करना हो 2023 में, तब मैं करूँगा। यहाँ पर अगर मेरा कार्ड खो चुका है तो वो भी हो सकता है। और ये माई कार्ड में और ट्रैक रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आप जब अप्लाई कर देते हैं उसके बाद क्या ये ऑप्शन है, तो मैं अप्लाई न्यू में करता हूँ सबसे पहले। तो फर्स्ट में मेरा नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी आ जाता है। फिर हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर ऐड करना होता है, फिर राजकोट पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर यहाँ पे हमें डॉक्टर का नाम लिखना होता है, देखिए ये लिखा है डॉक्टर RB डाभी। फिर यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर G16885, नेचर ऑफ हैंडीकैप। अच्छा हाँ, लोकोमोटर करना होगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर ब्लाइंड पर्सन है तो ब्लाइंड करे, लोकोमोटर वाले है तो वो लोकोमोटर करे, अगर कोई डीफ एंड डम है तो वो डीफ एंड डम करे। मैं लोकोमोटर वाला हूँ तो मैं लोकोमोटर कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक तो मेरी हर वक्त होगी। फिर यहाँ पर रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो हमारा कंसेशन सर्टिफिकेट होता था पहले हमें रेलवे स्टेशन जाकर बनवाना पड़ता था, वो हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ। और आप अच्छे से स्कैन करना, देखिए यहाँ पर टिक हो चुका है, आप अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट सारा स्कैन कर लेना। JPG PNG PDF फाइल अपलोड होगी यहाँ पर। फिर हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये, देखिए ये भी हो गया। बर्थ प्रूफ में यहाँ पर हमें देख लेना है बर्थ प्रूफ में क्या क्या चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा, तो मैं यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये आईडी कार्ड, उसमें इलेक्शन भी चलेगा, आधार भी चलेगा और पेन भी चलेगा। इलेक्शन आप करो तो दोनों पास पास में करना आगे पीछे का, आधार कार्ड में भी दोनों पास पास करना, और पैन कार्ड ऐसा अपलोड करना जिसको आधार के साथ लिंक किया हुआ हो, बाकी दो में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना, पास पास वाला जो भी हो आपके पास। तो मैंने आधार कार्ड अपडेट कर दिया। एड्रेस प्रूफ के लिए क्या मांगते हैं, इलेक्शन, आधार एंड ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस कर देता हूँ एड्रेस प्रूफ के लिए। ओके यहाँ पर अच्छी वाली स्माइली वाली फ़ोटो यहाँ पर हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एक कोड रन जनरेट हो जाएगा। आप ये फ़ोटो देखिए, ये आपकी, अगर आपने एप्लीकेशन सबसे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, फिर यहाँ पर आपको ट्रैक करने पर ऐसा दिखाएगा अप्रूव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत होगी तो वो लोग आपको कॉल करेंगे और वेरिफिकेशन हो गया तो फिर वो आपको कार्ड बनाने की प्रोसेस कर देंगे, और फिर वो रिक्वेस्ट सबमिटेड हो जाएगी आपकी, और फिर वो आपको वहाँ से कॉल कर देंगे कि आपका कार्ड बन चुका है, आकर ले जाओ, किसी को भेज दो आकर। तो कुछ इस तरह से हमारा कार्ड बनता है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, और आपको मोबाइल से करना हो तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल आपके लिए ठीक रहे तो आप मोबाइल से करो, मेरे लिए मोबाइल लैपटॉप ठीक था तो मैंने लैपटॉप से समझा दिया आपको। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो गुड बाय एंड टेक केयर। और कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, और सोशल मीडिया लिंक्स पर कृपया फॉलो कर देना, कोई डाउट हो तो वहाँ पर मैसेज कर देना। तो बाय बाय। देखिए आप ये पास देख रहे हैं मेरा, ऐसा ही आपका ही नया पास आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ये पास बना हुआ है जो आपको ऑनलाइन टिकट में स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में काम आता है, अगर आपके पास ऐसा पास है तो आप कृपया ये ऑनलाइन प्रोसेस मत करना, क्योंकि आपने DRM ऑफिस जाकर ये पास ऑलरेडी बना चुके हैं। मेरे एक दोस्त को कन्फ्यूज़न हुआ था इसलिए मैंने आपको ये लास्ट में बता दिया ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपके पास ऐसा पास है तो कृपया आप दोबारा नया पास ना बनवाए, वो यही पास वैलिड रहेगा, और ये आपको एप्लीकेशन तब काम आएगी जैसा मैंने वीडियो में पहले कहा कि जब मुझे रिन्यू करवाना होगा तब मैं रिन्यू करवाऊँगा। तो कृपया आपके पास ऐसा पास है तो ये दोबारा ट्राई मत करें, ये पास है वही बनेगा आपका पास इस एप्लीकेशन से। अगर आपका ये पास 2023-24 में एक्सपायर होता है तब इस एप्लीकेशन का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो गुड बाय।